में स्वागत है आपका 5 मिनट 20 खबरों में। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत लगातार पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर रहा है। इसी कड़ी में भारत ने पाकिस्तान में जाने वाले भारतीय हिस्सों के पानी को रोकने का प्लान बनाया है, जिससे पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल टोंक के 2019 के लोकसभा चुनाव का प्रचार का आगाज राजस्थान में शुरू करेंगे तथा 26 को चुरू में अपने चुनावी रैली करेंगे। पुलवामा में हुए शहीदों को श्रद्धांजलि देने का दौर देश में लगातार जारी है। इसी कड़ी में अजमेर में भी राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन महासंघ के बैनर तले 50 स्कूलों के 2000 विद्यार्थियों ने विशाल रैली निकालकर श्रद्धांजलि दी। रैली में हजारों विद्यार्थियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद तथा हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, लिखी सत्या लेकर चल रहे थे। रैली में देशभक्ति के गीतों के साथ विद्यार्थी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। बालेश्वर कस्बे के निकट बस्ती नगर स्थित माता रानी भटियाणी मंदिर में चल रही रामचरितमानस कथा के दूसरे दिन कथा सुनने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। कथावाचक संत ज्वाला प्रसाद महाराज ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल व्यक्ति के घर में ही विराजमान है। माता पिता की सेवा से बढ़कर दुनिया का कोई और बड़ा तीर्थ स्थल नहीं है। कथावाचक दिनेश वैष्णव की ओर से शाम 8 बजे नैनीबाई के मायरे का भी आयोजन किया जाता है। कथा श्रवण करने के लिए आसपास के सैकड़ों गांव की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। बाड़मेर शहर के सरदारपुरा में शिव मंदिर रोड पर बुधवार को दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया तथा विवाद इतना बढ़ गया कि मामला थाने तक पहुंचा। कोतवाली पुलिस ने मामला महिला अत्याचार से जुड़ा होने पर महिला थाने जाकर दर्ज कराने को कहा। उधर कुछ लोग आधी रात के बाद भी कोतवाली थाने के बाहर धरने पर बैठे रहे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बताया जा रहा है कि मोहल्ले में एक परिवार ने कुछ लोगों के दूसरे पक्ष को कई दिनों से परेशान कर रहे थे। उसी परिवार के सदस्य ने मामूली बात पर हंगामा किया, फिर माँ बेटी के साथ मारपीट की। मामले में दोनों पक्षों की ओर से महिला थाने में रिपोर्ट पेश की गई है। महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। बनासकांठा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली घी के डब्बे पकड़े। डीसा शहर में फूड एंड एक्स विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी की। गुजरात में पिछले कई दिनों से छापेमारी चल रही है। फूड विभाग को लंबे समय से सूचनाएं मिल रही थी कि नकली घी का कारोबार चल रहा है, इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। भोपालगढ़ से भावी की ओर जाने वाली सेट हाईवे की सड़कों का लेवल बराबर नहीं होने के कारण बड़े हादसे का न्योता देती नजर आ रही है। रात के अंधेरे में किसी भी समय गाड़ी पलटी खाने का डर रहता है। पीडब्ल्यूडी विभाग एवं ठेकेदार को कई बार अवगत कराया जा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है, जिसके चलते पूरी तरह से सड़क का लेवल बराबर नहीं होने से दोपहिया सहित बड़े वाहनों को भी चलाने में हमेशा खतरा बना रहता है। सीमावर्ती क्षेत्र जैसलमेर में अभी भी स्वाइन फ्लू का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। स्वाइन फ्लू से वर्षीय मौसम की मौत हो चुकी है। चिकित्सा महकमे की स्क्रीनिंग के दावे पहले होते हुए नजर आ रहे हैं। शहर में फिर भी स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मिलने से लोगों में दहशत फैली हुई है। ओसिया के बड़ा बस्त डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छात्रावास में कक्षा 12वीं के विदाई समारोह का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं को माला पहनाकर विदाई दी गई। कार्यक्रम में प्रारंभ में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। पता उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि किशन मेघवाल, किशन खड़ीवाल, उदाराम चौधरी भागीरथ, नयन आदि ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। वहीं छात्र को आने वाले परीक्षा की शुभकामनाएं भी दी। माउंट आबू के वन क्षेत्र में लगी आग तेज हवाओं से चलने से तेजी से फैल रही है। आग वन विभाग क्षेत्र माउंट आबू की ओर से आने वाले छीपा बैरी के वन क्षेत्र में लगी थी। आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग ने अपनी अग्निशमन दस्ते को मौके पर भेजा। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पा रहा है। माउंट आबू से आबू रोड की ओर जाने वाले रास्ते में गुरुवार को देर शाम अचानक ही तेज हवाओं के साथ दावानल धड़क उठा, लेकिन तमाम कोशिश करने के बावजूद भी आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं लगा है। अग्निशमन की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। ताजा न्यूज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कॉमेंट करना ना भूलें।